तो दोस्तों अभी मैं दर्शन हो गए, 4-5 दिन में ऊपर रहा और अभी नीचे की ओर मैं जा रहा हूँ। और देखिए राजस्थान से भक्त लोग मिले, जोधपुर से और राजस्थान तो मैं पूरा कवर करके आया हूँ। 7 दिन में मैं पूरा राजस्थान क्रॉस कर दिया था। अंबाजी से मैं एंटर किया था, अंबाजी आबू रोड से। और राजस्थान में कौन से गांव से होकर आया? जयपुर हाईवे से मैं सीधा होकर आया और खाटू श्याम दर्शन के लिए मैं थोड़ा आउट मिली। तो दोस्तों अभी नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ और सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। ये देखे दोस्तों हेलीपैड से भी यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं और ये देखे काफी भक्त लोग जो है। हर महादेव। आप ऊपर ट्रैक कर रहे हो अभी या नीचे? ऊपर ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से साइकिल। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर से मैं होके आ चुका हूँ और ये देखे सारे भक्त लोग। हर महादेव। भैया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक फॉलो। भैया 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले हैं। दोस्तों ये देखिए मैं उतर रहा हूँ नीचे और बारिश हो गई, बहुत जोरों की बारिश। बारिश तो यार कंटिन्यू 3 दिन हो गया, बारिश ही बारिश चल रही है। इस चक्कर में मैं ऊपर भी एक दिन उधर भी रुका था गुफा में और अभी भी नीचे जा रहा हूँ। नीचे समय लगेगा मुझे पहुँचने में, साइकिल यहाँ लगा दी है। और बारिश देखो यार, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। मौसम अभी यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो यार कैसे ट्रांसफार्मर को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ये नीचे से लेके आया है और जा रहे केदारनाथ टेंपल की ओर। और कितना रिस्क है यार। तो दोस्तों अभी मैं केदारनाथ से नीचे उतर गया हूँ और परेशानी ये हुई कि मेरी साइकिल की जो है चेन टूट चुकी है। और मैं फाटा एक गांव है उधर मेरी पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन उससे करीब 8 किलोमीटर पहले ही मेरी जो साइकिल की चेन टूट गई। तो अब मैं इधर ही रुक रहा हूँ और क्योंकि इधर अभी मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं उसको सही करने के लिए। तो ये देखिए एक खंडहर है, वो काफ़ी पुराना सा है, पूरा बंद पड़ा हुआ है। और इसी में मैंने अपना टेंट लगा लिया, वो देखिए साइकिल वहाँ खड़ी है उसी के सामने मैंने टेंट लगा लिया। और इधर ही मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मैंने रूम के लिए पता किया तो रूम तो यार बहुत ही ज़्यादा महंगे। मैं रूम का बोला तो रूम वाले बोल रहे 1500 रुपये लगेगा एक पर्सन का, एक नाइट का। और टेंट कुछ टेंट लगे हुए थे इधर, उनसे पूछा तो वो बोल रहे 800, कोई बोल रहा 900। मैं बोला ठीक है यार, इधर खंडर में सो रहा हूँ, रात ही तो बितानी है, क्या करना है अपने को। ठीक है तो ये देखिए मैं इधर खंडर आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस टाइप से। खंडर है और इसी में मैंने अपना टेंट लगा लिया है। ये देखिए अंदर स्लीपिंग बैग रखा हुआ, बाकी जो मेरा सामान और साइकिल मैंने इस साइड में लगा दिया ताकि कोई परेशान ना करे। और वैसे तो टेंट नहीं लगा था मैं, लेकिन जंगली जानवर से जो बचने के लिए टेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि सामने देखिए पूरा घना जंगल है। ये देखिए तो इस जंगल की वजह से जो है मैंने टेंट लगाया है। तो चलो फटाफट से यार सोता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। और क्योंकि मैं केदारनाथ की जो चढ़ाई है पूरी चढ़ाई में आज ही उतरा हूँ और उतरने के बाद करीब 20 किलोमीटर में चल चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक गया। और ऊपर से जो है साइकिल की चेन टूट गई, क्या कर सकते हैं। चलो सुबह देखेंगे, अभी तो चेन मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस सुबह देखूँगा। अभी तो बस आराम करूँगा क्योंकि थक चुका हूँ, चेन का देखेंगे सुबह, फिर मिलेंगे। चलो फटाफट से आराम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों वापस मैं आ गया हूँ उखी मठ, और जाना तो मुझे यहाँ से था बद्रीनाथ के लिए, लेकिन मेरी साइकिल की जो है चेन टूट गई है
और मैं टूटी हुई चेन को लेके सोनप्रयाग से ऊखीमठ तक ऐसे ही आ गया हूँ। लेकिन बहुत जगह जगह मैंने ट्राई किया कहीं साइकिल की चेन मिले या कोई रिपेयर करने वाला मिले, कोई भी नहीं मिल रहा यार। देखता हूँ यहाँ से नीचे और जाना पड़ेगा जहाँ तक नहीं मिलेगी अब तो, क्योंकि टूटी हुई चेन को लेके मैं ऊपर बद्रीनाथ की वो तो जा नहीं सकता हूँ। वैसे यहाँ ऊखीमठ से देखे वो ऊपर टॉप पे कुछ जो बिल्डिंग है आपको दिख रही होगी, यहाँ से ऐसा रास्ता है घुमा घूमते हुए और ऊपर जाना है। तो ये वाला रास्ता ना लेते हुए मैं अभी नीचे की ओर जाऊँगा। नीचे कौन मुझे कोई गांव बताया था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई गांव है वहाँ पे शायद मुझे मिल सकता है चेन। अभी वहाँ का भी कोई पक्का नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है चलो नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ वाटर प्लांट ऊखीमठ पे। उत्तराखंड में ज़्यादातर बिजली या तो सोलर से आती है या तो पानी से बनाई जाती है, जो पानी से वो अल्टरनेटर लगा के। तो ये वही वाला प्लांट है देखिए। ये देखो यार साइकिल की मेरी जो चेन टूटी थी यहाँ अभी रिपेयर कर रहा हूँ और अंकल जी कर रहे हैं साइकिल को रिपेयर। और ये देखिए इनकी साइकिल, संजय साइकिल रिपेयरिंग। इस गांव का नाम क्या अंकल जी? संजय साइकिल, संजय सिंह ने की। अच्छा, और गांव का नाम? अगस्त मुनि विजयनगर। अच्छा, तो मैं हूँ अगस्त मुनि विजयनगर में और संजय सिंह नेगी जी जो है यहाँ साइकिल का काम पूरे क्षेत्र में जो है सिर्फ यही काम करते हैं यहाँ साइकिल का। मैं सोनप्रयाग से मैं करीब 55 या 60 किलोमीटर के अराउंड जो है यहाँ से सोनप्रयाग है जहाँ से मैं पूरा साइकिल को टूटी हुई चेन में लेके आया हूँ। और ये देखो यार यहाँ पे साइकिल रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हो और साइकिल से अगर कर रहे हो, तो अगर कोई भी साइकिल में कोई दिक्कत परेशानी कोई आ रही है तो यहाँ आके आप काम करवा सकते। काफ़ी बड़ा सा ये शॉप है देखिए, और पूरे क्षेत्र मुझे उत्तराखंड में ही अकेला शॉप मिला है यार। बाकी बहुत जगह मैंने पूछा भी, ट्राई भी किया, पर कहीं से भी मुझे कोई शॉप नहीं मिली और कुछ ना कोई मैकेनिक। यहाँ पे गियर वाली साइकिल का भी जो है ये काम करते। चलो फटाफट से भी मैं साइकिल को रिपेयर करता हूँ, जब तक पहुँच जहाँ तक पहुँचता है ट्राई करेंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी साइकिल रिपेयर। तो दोस्तों ये देखिए मेरी साइकिल जो है, मेरा चेतक कंप्लीट और तैयार हो गया चलने के लिए। और बस अंकल जी का धन्यवाद करके अब मैं निकलता हूँ रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग से फिर बद्रीनाथ के लिए मैं रास्ता लूँगा। चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया यार, तो मैं परेशान भी बहुत हूँ कल से, तो बस मत पूछो। चलो फटाफट आगे बढ़ते। तो ये रही मेरी साइकिल और मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग। ये देखिए माँ मंदाकिनी इधर से आ रही है और मैं आपको संगम पे लिए चलता हूँ, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। और बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे नज़र आएगा आपको, देखना मंदाकिनी का जो जल है देखिए कैसा नीला नीला है, और अलकनंदा का देखना कैसा। ये देखिए सामने दोनों का जो पानी है बहुत ही अलग अलग दिखाई देता है। और इस ब्रिज के ऊपर से थोड़ा व्यू लेके देखते हैं कैसा है। बाकी मैं सोनप्रयाग से सुबह चला था, थक भी गया हूँ यार। साइकिल को पता है आपको कि मतलब मैं बहुत ही धक्का लगा लगा के आया हूँ, क्योंकि साइकिल का मेरा चेन टूट गया था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा चल नहीं पाया। वैसे तो मैं काफ़ी आगे निकल जाता, पर इतना भी बहुत है, करीब 80 किलोमीटर मैं करीब चल चुका हूँ सुबह से। और ये देखिए ये है मंदाकिनी नदी और वो है अलकनंदा नदी। देखिए दोनों का पानी कैसा डिफरेंट, बहुत ही चेंज। तो वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, शायद वहाँ जाने के लिए रास्ता होगा, तो मैं देखता हूँ वहाँ जाने के लिए। चलो वहाँ जाते संगम पे। जय भोले। देखिए मैं पहुँच गया हूँ संगम पे। कितना तेज बहाव है यार, बहाव भी देखिए और पानी देखिए, दोनों का अलग अलग पानी आपको पता चल जाएगा काफ़ी हाइट पे। चलो नीचे चल के देखते हैं।
ये देखो यार सुंदर नज़ारे, कैसा नज़र से देखिए कैसा धुआं निकल रहा है, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया। और ये देखिए भाई क्या गजब और सुंदर नज़ारे है यार, थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है इस वजह से देखिए पानी से जो है धुआं निकल रहा है, और ये धुआं देखिए कैसे शानदार। ये देखिए दोस्तों रुद्रप्रयाग में भी मैं हूँ, माँ गंगा की आरती हो गई है, आरती अभी मैंने की है, और नीचे का व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये रहा मेरा टेंट, मैंने वहाँ टेंट लगा लिया है, और खाना भी हो गया है, अब फटाफट से आराम करूँगा, और मैं रुका हूँ मंदाकिनी और अलकनंदा के घाट पे। घाट देखिए ये रहा शमशान, ये जो आप देख रहे हो ये शमशान, और इसके साइड में ये एक छोटा सा हॉल बना हुआ है, तो इधर ही मैं आज नाइट बिताने वाला हूँ, यहीं पर आज नाइट में रहूँगा, सुबह फिर निकल जाऊंगा बद्रीनाथ की ओर। चलो फटाफट से टेंट में चलते हैं क्योंकि थक गया हूँ, यहाँ नींद भी आ रही है। फिर मिलेंगे नई जर्नी में बद्रीनाथ के रास्ते पे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, हर हर गंगे। और ये देखिए मेरा टेंट, पूरा टेंट आपको दिखा दूँ, ये रहा मेरा सामान टेंट के अंदर, और साइकिल मेरी ये खड़ी है पीछे में। चलो दोस्तों